नरेंद्र आर्य जी, ऐसा होता नहीं है, हर रोज आए दिन इसी तरीके की घटनाएं हैं। 2022 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि 4.5 लाख FIR होती है, हर घंटे 51 FIR हो रही है क्राइम अगेंस्ट वेमेन में, हर रोज 38 पॉक्सो के केस रजिस्टर हो रहे हैं। कोई ऐसी मिसाल हम कायम नहीं कर पा रहे कि ऐसी मिसाल साहब कायम हो गई कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हर घंटे 51 FIR है हमारे देश में। बंगाल में जो ये जघन्य अपराध हुआ है और डॉक्टरों का जो असंतोष है, अविश्वास है वहां की सरकार पे, ये बिल्कुल ही जायज है। पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो संदेश खली घटनाएं हो चाहे कोई भी क्राइम वहां पे हुआ हो, हर केस में वहां पे लीपापोती की गई है, ईमानदारी पूर्वक कोई जांच की नहीं गई है। वहां के जो डॉक्टरों की मांग है कि CBI की जांच हो, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके पीछे कौन कौन लगे हुए हैं, हो सकता हो कि इसमें TMC के बहुत ही कोई सपोर्टर हो, जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हो, उनको बचाने का कार्य कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि CBI की जांच होगी, लेकिन 4-5 दिन संडे तक जो भी उन्होंने समय लिया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 4 दिन बाद देखिएगा, इसको लीपापोती किया जाएगा और जो जो इस अपराध में लिप्त हैं उनमें से जो इनके जो करीबी होंगे उनको बचाने का कार्य किया जाएगा। CBI जांच नहीं करवाएंगी, 2-4 जो ऐसे नाम वो ला के वहां पे रख देंगी कि ये लोग शामिल थे इस अपराध के पीछे, बहुत लोगों का हाथ है, एक दो नहीं, इसमें जितने लोग हैं उन पे सख्त CBI जांच होनी चाहिए और त्वरित जांच करने की जरूरत है। नहीं, पर राज्य सरकार, भाई ममता बनर्जी अगर वक्त मांगती है और ये कहती है कि संडे तक का समय है, तब तक अगर जांच से डॉक्टर संतुष्ट नहीं हो तो मैं CBI जांच के लिए तैयार हूं, तो राज्य सरकार को वक्त तो देना पड़ेगा ना। पहली नजर में अगर हम राज्य सरकार पर और पुलिस पर शक करना शुरू कर दें तो किसी राज्य में कोई जांच हो ही नहीं पाएगी ऐसे तो। लेकिन पूर्व में जितने भी जांच हुई है, आप खुद बता दीजिए, संदेश खली की जांच हो बंगाल में, उससे पूर्व भी कहीं जांच हो, क्या ईमानदारी पूर्वक जांच हुई है? अगर वहां के डॉक्टर मांग कर रहे हैं, वो एक पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे नहीं मांग कर रहे हैं, वो जान रहे हैं वहां की स्थिति की परिस्थिति को, किसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। अगर वो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग को सुना जाना चाहिए। वहां डॉक्टर अगर मांग कर रहे हैं कि CBI जांच की मांग है, उस मांग को अनसुना नहीं कर सकते हैं।